राजकुमार जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फिल्म न्यूटन के लिए। हर जगह मार्केट में यही बात हो रही है कि ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी फिल्में, मतलब आप कहाँ से लाते हैं? अगर हम ये साल देखें तो जितनी भी आपने फिल्में की, हर कोई इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अप्रिसिएट किए गए, तो बताइए कि कैसा रहा ये साल आपके लिए? बहुत ही एक्साइटिंग रहा। आई थिंक बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छे डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का मौका मिले आपको, और वो इस साल आ गए सारे एक साथ। आई थिंक वो जस्ट एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, बट आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक नो कम्प्लेंट्स। आई जस्ट होप कि यू नो हर साल ऐसी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिलता रहे। जी राजकुमार जी, जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत सारे एक्टर हैं वो मतलब अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढने में और अपनी फिल्म को हिट कराने में, मतलब उनको अच्छी स्क्रिप्ट हर किसी को चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपके पास ये स्क्रिप्ट, तो ये मतलब कैसे आपका डिसीजन होता है स्क्रिप्ट पर? आप कोई भी जो स्क्रिप्ट आपके पास, आई फील वेरी लकी। ऑफ कोर्स मैं अपनी सारी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, एंड आई फील वेरी लकी कि यू नो ये सब फिल्म मेकर्स ये स्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो मेरे पास मुझे पढ़ने को देते हैं, एंड दे वॉन्ट मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो उसके लिए आई फील वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ब्लेस्ड। बट येस, आई रीड ऑल माई स्क्रिप्ट, एंड एनी स्क्रिप्ट विच एक्साइट्स मी एज एन एक्टर, विच ऑफर्स मी समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग चैलेंजिंग टू प्ले, आई से येस टू इट। एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान वरुण धवन ने कहा हाल ही में कि ये साल जो है, इस साल का जो सुपरस्टार हुआ है वो जो है वो आपको और भूमि को मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी आप लोगों की फिल्में हिट हो रही है, अप्रिसिएट की जाए, जब इस तरह से कमेंट आते हैं, इस तरह से इंडस्ट्री का फीडबैक आता है, तब क्या फील करते हैं आप एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बींग? Well, I want to thank Varun for saying that. I think he's really kind. I like him a lot myself. पर आई थिंक या इस साल जैसे आई थिंक कुछ ऐसा हो गया कि ये सब फिल्म्स आई एक साथ, ट्रैप, बरेली, बहनों की तेरी और नाउ न्यूटन, और ये सब क्योंकि बहुत अलग फिल्म्स हैं और बहुत अलग कैरेक्टर्स हैं इन फिल्म्स में मेरा, तो आई थिंक यही रीज़न है कि लोगों को थोड़ा मज़ा आया देखने में। अगर सेम ही कैरेक्टर हर फिल्म में होता तो बहुत बोरिंग हो जाता मेरे लिए भी एज एन एक्टर। सो आई जस्ट होप कि मैं ये कोशिश करूँ हर बार हर फिल्म में अपने आप को पुश करूँ, कुछ नया ऑफर करूँ अपनी ऑडियंस को, और अपने लिए भी कुछ ना कुछ एक नई एक ग्रोथ जो है हर फिल्म के साथ होती रहे मेरी, वो इम्पोर्टेंट है। जी चलिए, न्यूटन की अगर मैं बात करूँ, हमने देखा है कि वोटिंग के ऊपर है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या, किस तरह का किरदार है इस फिल्म में और क्या कुछ करने वाला है आप? न्यूटन तो बहुत कुछ करने वाला है। न्यूटन कोशिश कर रहा है चीज़ों को बदलने की, जस्ट बाई बींग ऑनेस्ट। वो कोशिश नहीं कर रहा, एक्चुअली वो चाहता है कि जैसी चीज़ें हैं वैसे ही होनी चाहिए। वाई आर वी यू नो टैम्परिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरे किरदार का नाम है नूतन कुमार उर्फ न्यूटन, जो एक बहुत ही सिद्धांतवादी, यू नो लॉर्ड, ही इज़ एन आइडियलिस्ट, ही बिलीव्स इन हिज प्रिंसिपल्स, ही बिलीव्स इन ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी इन वट एवर ही डज। तो उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाकर, जहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव एरिया है और यू नो नक्सलाइट्स का भी एक डर है, वहाँ पे जाके वो इलेक्शंस कराए और ऑनेस्ट इलेक्शंस कराए कुछ चंद वोटर्स के लिए बहुत ही रिमोट एरिया में। पर सिर्फ वही अकेला है जो ये चाहता है कि ऐसा काम जैसा दिया गया वैसे हो, उसके आसपास के लोग जो है, जो सिस्टम का हिस्सा है, उनमें से कोई नहीं चाहता। एंड दे ऑल एक्चुअली पॉइंट फिंगर्स टुवर्ड्स हिम कि आप क्यों इतने ईमानदार हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता आएगा, बट ही समबडी हु वांट्स टू चेंज थिंग्स। हम जितना मैंने ट्रेलर और गाने से मैंने देखा है कि एक सोशल मैसेज भी है, जैसा कि ट्रेलर में बताया गया कि जी बटन आपको दबाना चाहे कोई भी दबाए। हम देखते हैं इलेक्शन के टाइम पे भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही लोग करते हैं कि अरे कोई भी बटन दबाना, या तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप इस फिल्म के जरिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी बटन दबाइए, आप बताइए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, कोई भी बटन दबाइए। आई थिंक जैसे हम एक गाड़ी खरीदने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए अच्छी रहेगी, ऐसे ही जब, ये तो हमारे देश की बात है यार, मतलब 5 साल कौन हमारे देश को चलाएगा, उसके लिए तो हमें और ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए। ऐसे ही बटन दबा के तो फ़ायदा नहीं है, यू नो आप किसी को भी वोट नहीं दे सकते, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल टूल है आपके पास जो वोटिंग है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका वोटिंग। आप चुनते हैं कि कौन आपका लीडर बनेगा, और यही एक वो दिन होता है जब आप सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यू नो सब सिर्फ आपकी तरफ आंखें लगा हाथ जोड़ के बैठे होते हैं सारे पॉलिटिशियंस कि भैया हमें वोट दे दो। सो इस पावर का इस्तेमाल कीजिए अच्छे से, और आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू चूज द राइट लीडर। शूटिंग के दौरान का ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ मिलिट्री वालों का भी आप किरदार कर रहे हैं जी, तो आप अगर कुछ बताएं कि मिलिट्री का पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं, बहुत ही उनका प्यारा कैरेक्टर है और बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है इस फिल्म में भी। शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमने रियल लोकेशंस में शूट किया है, हमने एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में जंगल के बीच में जाके शूटिंग की है, और वहाँ पे सच में एक मतलब वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है वाकई में, काफ़ी फोर्स की वहाँ प्रेजेंस है, पर हम लोग को काफ़ी मज़ा आया, हम लोग काफ़ी लोगों से मिले, वहाँ के लोकल लोगों से मिले, उन्होंने हमारी फिल्म में एक्टिंग भी की है,
और अनटच्ड ब्यूटी है वो, वहाँ की इतनी खूबसूरत है, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के जंगल, तो हमें तो 40 दिन किसी शिकायत का मौका करने का मौका नहीं मिला, एंड वी हैड अ रियली गुड शूट एंड मेट सम अमेजिंग वंडरफुल पीपल देयर। और हमने देखा बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएट किया गया, तो क्या फील करते हैं आप जब इस तरह से फिल्म रिव्यूज इवन बहुत ही अच्छे अच्छे को रिलीज होने से पहले, तो इस तरह से जब आता है सारी चीज़ें बाहर निकल कर आती है, अरे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और रिव्यू, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आप कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से और मेहनत से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उसको इतने बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल्स अवार्ड से सम्मानित करते हैं तो बहुत खुशी होती है, और फिर अपनी अपने देश की जनता, यू नो, अपने हमारे अपने रिव्यूअर्स, अपने क्रिटिक्स उसको इतने अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, इतने अच्छे स्टार्स देते हैं, 4.5 4 स्टार्स, सो ऑफकोर्स दैट्स वॉट वी वॉन्ट, हम यही चाहते हैं कि हम अगर ईमानदार फिल्म बनाए तो लोगों को भी पसंद आए, उनके दिलों तक पहुँचे, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट इट्स गेटिंग सच अमेजिंग रिव्यूज। जी चलिए, जाते जाते आपने व्यूवर्स को, क्योंकि हमने देखा है गाना भी आया कि अपना काम चल तू अपना काम चल तू अपना काम कर, हमने देखा है आप रियल लाइफ में भी, हमने देखा है सारी दुनिया कहीं कुछ भी हो, किसी की पिक्चर हिट हो फ्लॉप हो उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, आप अपने चुपचाप आप अपना काम करते रहते हैं, व्यूवर्स को भी इस तरह से क्या मैसेज देंगे कि भाई ये फिल्में आए आप चुपचाप आए और देखिए आप बताइए? वेल हमने अपना काम कर दिया है, अभी आपको अपना काम करना है, तो आप अपना काम कीजिए, 22 सितंबर को आइए और न्यूटन को वोट दीजिए, आके जाके फिल्म देखिए, एंड अदरवाइज ऑल्सो इन लाइफ ऑल्सो आई थिंक हमको अपना काम पहले करना चाहिए, आई थिंक वी शुड लिव एंड लेट लिव, दूसरे के घरों में क्या चल रहा है और गॉसिप और उनका काम खराब वो सब नहीं होना चाहिए, आई थिंक वी शुड, जैसे न्यूटन बोलता है कि जब तक कुछ नहीं बदलोगे दोस्त कुछ नहीं बदलेगा, तो आपको कुछ पहले अपने आप से बदलाव की शुरुआत करनी होगी, इन केस इफ यू वांट टू सी चेंज इन द सोसाइटी। चलिए, थैंक यू सो मच।